हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग एमएसक्यू व्लॉग। सो गाइस, ये है सेकंड बाड़ा। इसमें से भी हम लोग ने कुछ बकरे शॉर्टलिस्ट किए हैं और आइए, बकरे काफी सारे हैं अंदर। इसमें से कुछ एक बकरे हम लोगों ने बाहर निकाले, क्योंकि सारे बकरों को निकाल के वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो हम लोगों ने कुछ बकरे बाहर निकाले, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आइए हम लोग शफीक भाई से, आमीन भाई से और हाफिज साहब से बात करेंगे इन बकरों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। तो ये वीडियो में हम लोग क्या दिखा रहे हैं लोगों को भाई? ये सेकंड बाड़ा है अपना, और इसमें से कुछ बकरे अपन ने हर रेंज के बाहर निकाल के शॉर्टलिस्ट करके बताए हैं, ताकि पब्लिक को पता चले कि हर रेंज के इसके अंदर बकरे हैं, हर क्वालिटी के बकरे हैं। क्वालिटी हर चीज के अंदर अच्छी ही अपने हिसाब से अपन ने रखे। अब बाकी तो पब्लिक के सामने है चीज, पब्लिक उसके अंदर जज कर लेंगी कौन सी क्वालिटी है इसके अंदर। कुछ ये देखो, ये बकरे की साइज देखिए, छोटी साइज के ही बकरे निकाला हूँ, लेकिन उसमें भी आप क्वालिटी देखिए बकरे की। माशाल्लाह, ये अंडुल है। अंडुल है ना? ये अंडुल है, सबसे छोटी साइज का ये बकरा। ये बकरा है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने, और बड़ी से बड़ी, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सिर्फ बड़े बड़े बकरे निकाल के दिखाए। हालांकि बड़े बकरे भी हैं, हाँ, अंदर तो है काफी, है अंदर और काफी बड़े बकरे हैं, ऑलमोस्ट बड़े ही है। तो उसमें से हम लोग ने शॉर्ट लिस्ट है वो भी बताए हैं। ओके, पब्लिक पूरी दुनिया बड़े 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 ही बताती है, अपन छोटे पहले बताते। सही है। हाफिज साहब, आपकी क्या राय है, कैसे हैं ये बच्चे जो भी बकरे हैं, इन्होंने क्या ग्रोथ दिखाई, कैसे, मतलब ये परेशानी तो नहीं आई आपको इनको पालने में, इनको देखभाल करने में? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छे मेरे दोस्त है, कोई उनकी दोस्ती नहीं, बकरों की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, बकरे भी थोड़ी बहुत सर्दी के अंदर परेशानी उठानी पड़ती है, और सर्दी निकलने के बाद माशाल्लाह कोई परेशानी नहीं, और तंदुरुस्त भी है। असल में क्या है कि यहाँ बाहर की हवा होती है ना, उससे क्या है कि बकरा बहुत तंदुरुस्त रहता है माशाल्लाह। हर एक तरह का वायरस फैलना और इधर उधर की बीमारी होना, वो सब माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है अभी तक नहीं हुआ, अपने यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि अपने अतराफ में आजू बाजू में ना कोई घर है, ना कोई बकरे है, ना कुछ है, सिर्फ हम ही लोग हैं मेरे ख्याल से। आगे मेरे ख्याल से 100-150 मीटर तक आसपास में कोई घर भी नहीं है ना, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है ना। बाकी माशाल्लाह आपका सेटअप भी बहुत अच्छा है। तो आमीन भाई, हाँ भाई, और क्या कहना चाहोगे आप इन बकरों के अंदर? हाँ, बकरे बताओ, इनकी हाइट बताओ, और पीछे देखो वो बकरा देखो, बहुत जबरदस्त बकरा है, वाइट वाइट आईज में है, पंजाबी क्रॉस है ये, पंजाबी क्रॉस है ये, पंजाबी जितनी हाइट नहीं है, लेकिन उसकी पेटी वगैरह देखो बहुत अच्छी है, और खूबसूरती देखो, मेन तो उसके कलर की खूबसूरती क्या है। ये ब्राउन एंड व्हाइट वाला, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। ये ना अपने समीर भाई, ये बकरे समझ लो ना, ये रेती बालू के अंदर है, तो यहाँ पे शायद इनकी हाइट इतनी नहीं दिख पाती, क्योंकि अभी आप लोग बहुत बड़े बकरा है, आप लोग देख सकते हैं इनके पूरे पूरे खुर है ना, मट्टी के अंदर है ना, तो इससे थोड़ी सी हाइट कहीं ना कहीं लोगों को कम लगेगी, लेकिन ऐसा है नहीं। बकरे अगर अपने उस पे प्लेन सरफेस पे खड़े होंगे तो माशाल्लाह हाइट दिख के आएगी। असल में क्या है कि रमजान के बाद इनकी हाइट भी दिखेगी और तैयार भी होंगी इंशाल्लाह। अभी तेल बंद हुआ है, 20-25 दिन हुए। अच्छा, असल में क्या है कि जब तेल बंद होने के बाद 2 महीने होते हैं तो बकरे हाइट और लंबाई पकड़ते हैं। अच्छा, उससे पहले दुबले दिखते थे। अच्छा, ऐसा है। रमजान के बाद इंशाल्लाह फुल तैयारी भी होंगे बकरे। तो आपको क्या लगता है और कितना वजन ये गेन करेंगे, मतलब बढ़ेगा इनके? अब आगे इंशाल्लाह हो सकता है कि 1 महीने के अंदर 10 किलो भी बढ़ सकते हैं। अच्छा, तो आगे 2 महीने में हम लोग 20-25 किलो का एक्सपेक्टेशन ले सकते हैं, कोशिश रहेगी हमारी इंशाल्लाह। हाफिज साहब, आप कितने साल से इस काम में? 2012 से शुरू किया। 2012 से आप इसी काम में हो? पहले शुरू से खाली 11 नग के ऊपर शुरू किया था, और इस साल अल्लाह का शुक्र है, और ये हमारे दोस्तों ने 225 बकरे लाके छोड़े हैं माशाल्लाह, कुर्बानी है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे दोस्त है हमारे, और लगाया है इन्होंने, दुआ करो अल्लाह ताला चालू रखे। अभी तक तो शुरुआत की है इस साल, ये साल फर्स्ट ईयर है ना जी। कैसा रहा इन लोगों के साथ आपका काम करने का सफर जो था? अल्लाह का शुक्र है। शफीक भाई ने परेशान किया ना बहुत? नहीं 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 किए, आमीन भाई ने तो कही ही होंगे।
परेशान करने का डिपार्टमेंट मेरा है भाई, इसलिए मैंने तुम्हारा ही पूछा। बाकी समीर भाई इसमें अपने पास ऐसा नहीं, सिर्फ ये एक सिरो ही अपने पास, बाकी सब सोजर जो है वो दो भी इसके लिए निकाल देगा भाई, दो ये चीज भी है, एक सिरो ही में एक ये भी है, अंडू लेना, अंडू है बड़ा अंडू है ऊपर, आइंदे साल मिक्स में रखेंगे इंशाल्लाह सब। लेकिन ये सब पट्टा जो है ज्यादातर सफेद के लिए ही जाना जाता है ना, यहाँ पे नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपन इधर रखेंगे, ये बार तो सोजत ही भरे सर, इंशाल्लाह अगले साल सर गुजरी भी टारगेट है, इंशाल्लाह अपने हिसाब से पर्टिकुलर ब्रीड का रहेगा, एक सोजत गुजरी वैसे अलग अलग बाड़े रहेंगे, अल्लाह ताला आप लोगों की जुबान मुबारक करे ताकि हमको भी वीडियो बनाने का मौका मिलता रहे ना। मजा तो भाई मैं बोल नहीं सकता, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम कैसा लगा आपको? मौसम देखो ना, हम लोग दोपहर के 1:30 बज रहे खड़े हैं और अभी धूप नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर में धूप आती है चली जाती है, मौसम भी माशाल्लाह बहुत है अच्छा है माशाल्लाह से। और दूसरी बात ये, कल रात में आंधी भी आई थी काफी तेज, एक घंटा चली तो उसमें तो हम लोग कुछ देख नहीं पाए क्योंकि 1:15 बज गया था उसमें। तो ये सारे बकरे हैं माशाल्लाह से, ये हमारे रफीक भाई, रफीक भाई आप कुछ बोलोगे? नहीं बोलोगे? देखो बकरे ठीक है, ये देखिए ये पहले बाड़े का जो हम लोग ने बकरे निकाले थे माशाल्लाह, देखो सबके सब बैठे हुए, एक्चुअली हम लोग इनको उठा के वीडियो बना रहे थे तो ये अब जाके वापस इन लोग रेस्ट करने बैठ गए। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे 3rd सेक्शन में, उसके बाद जाएंगे हम लोग 4th सेक्शन में, ठीक है। तो ये सारे बकरे हैं, ये वीडियो फॉर शौक पर्पस हम लोग बना रहे हैं, इसके बाद जो है वो सरप्राइज रहेगा इंशाल्लाह लोगों के लिए, ठीक है। तो आफिस साहब क्या राय है आपकी, क्लोज किया जाए, वीडियो बंद किया जाए? बंद कर दो। आफिस साहब थक गए यार, है ना? नहीं थके और बनाएंगे, दूसरे बनाएंगे ना, ठीक है। तो गाइज और भी वीडियोज अभी आने वाले हैं, 3rd सेक्शन का अभी बाकी है, 4th सेक्शन अभी बाकी है, ठीक है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह। तो गाइज मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।